तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉबी मास्टर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉबी ऑफ कॉइन कलेक्शन की, और ये हमारे सामने है मिस्टर कृष्णा जी, जिनका हॉबी है कॉइन कलेक्ट करना। तो आइए मिस्टर कृष्णा से बात करेंगे और उनके कलेक्शन के बारे में जानेंगे। ये 2 रुपीज़ के कॉइन का कलेक्शन कर रहे हैं, और किस तरह से करते हैं, क्या है इनके कॉइन की खासियत और क्या है इनके कलेक्शन की खासियत, इन सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मिस्टर कृष्णा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कृष्णा, मेरा कॉइन कलेक्शन है सेवलन सर। मैं आज आपको 2 रुपये के कॉइन कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। कॉइन कलेक्शन मैंने क्लास 6 से शुरू किया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसीलिए मुझे हिस्ट्रिकल कॉइन कलेक्ट करना अच्छा लगता है। कॉइन से हमें बहुत जानकारी मिलता है, इतिहास के कॉइन के बारे में जानना स्रोत है। कॉइन से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड, देख लेते हैं इनके कॉइन वॉलेट को, जिसका एक एल्बम कृष्णा जी आज लेके आए। So let's start our journey. We open the file. और पहले इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है एशियन गेम्स दिल्ली का कॉइन 1982 के सभी कॉइन मिल जाएंगे। नॉर्मल और कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, ये डिजाइन किए हुए सिक्कों को कॉमेमोरेटिव कॉइन कहते हैं, और ये नॉर्मल सिक्के। रेगुलर कॉइन्स ये भी आपको मिलते हैं, राष्ट्रीय एकता 1982, और इन्होंने बहुत सुंदर से मिंट मार्क भी बता दिया है, नोएडा मिंट, बॉम्बे मिंट। दोस्तों मैं बताऊंगा क्या है एक्चुअली ये मिंट, कैलकाटा मिंट। ईयर के नीचे कोई मार्क्स नहीं रहते हैं, तो वो होता है कैलकाटा मिंट। और ईयर के नीचे अगर डायमंड मार्क आपको दिख रहा है, ईयर के ठीक नीचे 1982 के नीचे लिखा हुआ अगर डायमंड मार्क दिख रहा है, तो वो हो गया आपका बॉम्बे मिंट, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता 1992। अलग अलग मिंटों से देखिए दोस्तों, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट 1990, हैदराबाद मिंट से है विश्व खाद दिवस, चितरंजन 1998। इस तरह से उन्होंने 2 रुपए के सिक्के, सभी सिक्के कॉइन हमको यहाँ मिल रहे हैं, रेगुलर कॉइन भी मिल रहे हैं, देखिए 2 रुपए के, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। मिंट वाइज इन्होंने रखा हुआ है सभी कॉइन को, तो अमेजिंग अमेजिंग, कीप कलेक्टिंग द कॉइन्स।